विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने एक और दांव चल दिया है, वो भी तब जब किसी भी वक्त प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है और ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग गहलोत की योजनाओं पर ब्रेक लगा दे, क्योंकि कानून के मुताबिक जब आचार संहिता लगी हो तो कोई भी नई योजना लॉन्च नहीं हो सकती। लेकिन हमारे सीएम भी किसी से कम थोड़े हैं, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो। जब चुनाव हारने पर कांग्रेस पार्टी आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है तो चुनाव आयोग से छोटा मोटा पंगा गहलोत भी ले सकते हैं। खैर, अब सर पर चुनाव है, पब्लिक का दिल जीतना है तो चुनाव में गहलोत ने एक बार फिर योजनाओं की झड़ी लगा दी है। नया ऐलान है, राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं को रोडवेज बसों में 90% तक छूट देने का। मसलन, अगर बस की टिकट 100 रुपए की है तो महिला यात्री को महज 10 रुपए देने होंगे। जी हाँ, अगर ये योजना लागू हो गई तो कह सकते हैं कि राजस्थान में महिलाओं को फ्री बस की सुविधा मिलने वाली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये सुविधा मंथली पास बनाने पर ही मिलेगी। 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ा ऐलान किया है। चलिए, ये तो हो गई महिलाओं की बात, लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो एक और बड़ा वर्ग ऐसा है जिस पर भाजपा ध्यान नहीं दे रही, लेकिन गहलोत ने उन्हें सही वक्त पर साध लिया है। वो वर्ग है गिग वर्कर्स का, जिसे आम तौर पर डिलीवरी करने वाले कहते हैं, या फिर हमारे आसपास ओला उबर रैपिडो चलाने वाले कर्मचारी, ये तमाम गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अब सीएम गहलोत ने इन्हें अपने पाले में करने के लिए बड़ा दाव चल दिया है। गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए अलग से कानून बनाते हुए गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान के गिग वर्कर्स को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद गिग वर्कर्स को हेलमेट, ड्रेस और जूते सहित रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए की वन टाइम सहायता दी जाएगी। इससे ओला उबर, स्विगी और जोमेटो समेत इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं मंत्रालय के कर्मचारियों को भी सीएम ने अपने तोहफे से महरूम नहीं रखा है और लंबे वक्त से चली आ रही उनकी एक मांग पूरी कर दी है। मांग ये है कि कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाए। गहलोत ने आखिरकार कर्मचारियों की ये मांग पूरी कर दी है और अब ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग सहित सभी काम इसी निदेशालय से होंगे। तो देखा आपने, अपनी सरकार रिपीट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। महिला हो या कर्मचारी, युवा हो या बुजुर्ग, सबके लिए गहलोत ने पिटारे से कुछ न कुछ निकाल दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गहलोत की तमाम योजनाएं जो चुनाव से पहले लॉन्च हुई हैं, उन्हें चुनाव आयोग और राजस्थान की पब्लिक किस तरह से देखती है।